गुड मॉर्निंग एवरीवन, लेट्स कंटिन्यू विद अवर टॉपिक विच वी हैव स्टार्टेड लास्ट वीक, दैट इज फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी कंपनी एस्टेब्लिशेस पावर। किस प्रकार व्यापार से शुरुआत करके कंपनी ने, ब्रिटिश कंपनी ने हमारे ऊपर शासन करना शुरू कर दिया, इस प्रकार हमारा पावर हासिल की। अब तक हमने इसी प्रकार पढ़ा कि हमारे पास जो रीजनल किंगडम्स थे पहलों के साथ व्यापारिक रिलेशंस बनाए, जब वो कामयाब नहीं हो पाए, अगर कुछ उनके ऊपर पाबंदियां लगाई गई, हमारे यहां जो भी हमारे लोकल जो किंग्स थे या नवाब थे उनके द्वारा, देन दे डायरेक्टली अटैक थ्रू मिलिट्री एंड अक्वायर द टेरिटरीज। उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे एरियाज के ऊपर कब्जा करना शुरू कर दिया। हमने बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़े थे, बंगाल के नवाब का हमने पढ़ा था, उसके बाद टीपू सुल्तान का एग्जाम्पल हमने पढ़ा। उसी प्रकार अवध के निजाम को जब हटाया गया, अवध के नवाब को जब हटाया गया, किसके द्वारा, केवल मिस गवर्नमेंट का बहाना बना के, ये सारी व्यवस्था थी किस प्रकार उन्होंने शासन को बढ़ाया। उसके बाद हमारे पास अब प्रशासन ने क्या कुछ सुधार किए, न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, हाउ दे एस्टैब्लिशेस न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, कैसे नया प्रशासन उन्होंने स्थापित किया भारत में। अब उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाई उसने प्रशासन में, वॉरेन हेस्टिंग्स, ये भारत में पहले गवर्नर जनरल भी थे, ये भारत में अंग्रेजों की तरफ से पहले गवर्नर जनरल रहे। इन्होंने भारत में कंपनी की पावर को बढ़ाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनसे पहले जो महत्वपूर्ण प्रभाव था ब्रिटिश कंपनी का या ब्रिटिश गवर्नमेंट का, वो कहां तक था, केवल बंगाल तक सीमित था, लेकिन बाद में इन्होंने उसको मद्रास और बॉम्बे तक बढ़ा दिया, यानी मद्रास और बॉम्बे के ऊपर कंप्लीट इन्फ्लुएंस होता है कंपनी वाज एस्टेब्लिश। और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन के पर्पज से, प्रशासन के पर्पज से बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बना दी गई, बड़ी प्रशासनिक इकाइयां बनाई गई, जिनको क्या बोला गया, प्रेसिडेंसीज, उनको बोला गया प्रेसिडेंसीज। तो महत्वपूर्ण तीन प्रेसिडेंसीज बनाई गई, तीन प्रशासनिक केंद्र बनाए गए, कौन कौन से, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। वहां से बाकी प्रशासन बनाया गया, हर प्रेसिडेंसी के अंदर किसी नियुक्ति कर दी गई शासन को चलाने के लिए, एक गवर्नर की, यानी हर जगह एक गवर्नर होता और इनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट होता, गवर्नर जनरल, जो कि वॉरेन हेस्टिंग्स उस टाइम पर खुद थे। तो प्रशासन को चलाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जो बनाई गई महत्वपूर्ण थी, प्रेसिडेंसीज महत्वपूर्ण तीन थी, बंगाल, मद्रास और उसके साथ साथ बॉम्बे। इनके अंदर गवर्नर शासन करता, लेकिन गवर्नर के ऊपर भी कौन व्यक्ति था, गवर्नर जनरल। अब वॉरेन हेस्टिंग्स का हमने पढ़ा कि उसने किस प्रकार कंपनी की पावर को बढ़ाया था। उसके बाद जो महत्वपूर्ण सुधार थे, तो 1772 में डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो जिला था, के अंदर फिर वापस डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड कर दिया गया प्रशासन को और आसान बनाने के लिए। तो वहां अलग अलग, खासकर किसके कंसर्न में, न्याय के लिए, जस्टिस, टू प्रोवाइड जस्टिस, न्याय के लिए दो अलग अलग कोर्ट की स्थापना की गई। और कोर्ट कौन कौन से, क्रिमिनल एंड सिविल कोर्ट, जो आज भी है। आज भी हमारी व्यवस्था, अगर न्यायपालिका की बात करें, न्यायपालिका की बात करें, जुडिशरी की बात करें, यही है, देर आर टू डिफरेंट कोर्ट, क्रिमिनल एंड सिविल कोर्ट। हिंदी में हम इनको बोलते हैं क्रिमिनल फौजदारी, सिविल दीवानी अदालत। अब उनमें क्या है, इसके अंदर क्रिमिनल केसेस, चोरी, डकैती, मर्डर, और इसके अंदर आपके इनहेरिटेंस, डायवोर्स, प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स। तो इसमें संपत्ति से संबंधित कोई हमारा प्रॉपर्टी का कोई विवाद है, उसके अलावा कोई इनहेरिटेंस, विरासत संबंधित कोई विवाद है, शादी या तलाक संबंधित विवाद, सिविल कोर्ट के हैं। तो इसके लिए अलग दो कोर्ट स्थापित कर दिए 1772 में, थोड़ा सा और आसान बनाने के लिए। अब क्रिमिनल कोर्ट में तो व्यवस्था क्या थी, टू डिस्पेंस जस्टिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टिल नाउ काजी एंड मुफ्ती। काजी तो जज का काम करता, यानी फैसला देना काजी का काम था इसमें, क्रिमिनल कोर्ट्स में, और मुफ्ती हु एक्सपाउंड, हु इंटरप्रेट, हु एक्सप्लेन, कौन डिसीजन को एक्सप्लेन करता है, किस आधार पर क्यों डिसीजन दिया गया, कैसे उचित है, वो जुरिस्ट एक न्यायपालिका सदस्य के तौर पर उसको उसकी व्याख्या करता। तो महत्वपूर्ण क्रिमिनल कोर्ट की अगर बात करें तो दो महत्वपूर्ण हमारे, काजी और मुफ्ती। लेकिन सिविल कोर्ट की अगर बात करें, सिविल कोर्ट के अंदर जो यूरोपियंस थे उन्होंने एक व्यवस्था जारी रखी कि हमारे अनुसार फैसले हों। तो उसमें हिंदू और मुस्लिम जो भी मामले आते तो उन लोगों से पूछा जाता, तो हिंदुओं के लिए तो हमारे पंडितों से पूछा जाता कि क्या होना चाहिए इस मामले में, और मुस्लिमों के संबंध में मौलवी बताते कि किस प्रकार इंटरप्रेशन, किस प्रकार की व्याख्या की जाए, किस प्रकार का डिसीजन लिया जाए किसी भी सिविल रिलेटेड केसेस के अंदर। लेकिन प्रॉब्लम कहां आती थी,
इसमें प्रॉब्लम ये आती थी कि भारत में हिंदुओं के अनुसार इतने धर्मशास्त्र है 500 BC के बाद के जितने भी संस्कृत में टेक्स्ट लिखे गए तो व्याख्या करते थे हमारे कोड ऑफ कंडक्ट हमारे व्यवहार की, तो उसमें बहुत सारे थे और हर व्यक्ति हर पंडित अलग अलग तरीके से व्याख्या करता। फिर इस परेशानी को देखते हुए 1775 में हमारे यहां 11 महत्वपूर्ण पंडितों को बुलाया गया और उनको बोला गया कि आप सारे मिलकर एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाए किसके अनुसार डिसीजन लिया जा सके, और उसको फिर इस बुक में आपका नाम आया है NB हेलगेरिट, नथनियल हेलगेरिट। इन्होंने इसको ट्रांसलेट कर दिया इंग्लिश में, इन्होंने हिंदी के अंदर लिख के दे दिया हमारे नियम क्या होंगे, संस्कृत और हिंदी में लिख के दिया, उसको ट्रांसलेट कर दिया गया इंग्लिश के अंदर ताकि आसान हो जाए यूरोपियन जजेस के लिए डिसीजन देना, और मुस्लिमों के लिए भी फिर कंपाइल कोड ऑफ मुस्लिम लॉज बना दिया गया 1778 में कि एक जैसे नियम रहे ताकि यूरोपियन जजेस अगर हो, अगर काजी या वो डिस्पेंस नहीं करते हैं या यूरोपियन जज है तो उसको डिसीजन लेने में कोई प्रॉब्लम न आए। और इन सब के ऊपर सुपरविजन के लिए कौन होता, कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर सबसे बड़ा पद कलेक्टर का होता, उसके सुपरविजन में सारा काम होता था। अब हमारे पास सबसे महत्वपूर्ण जो एडमिशन की होती प्रेसिडेंसी के बाद होती डिस्ट्रिक्ट में महत्वपूर्ण सबसे बड़ा पद कलेक्टर, जैसे नाम से कलेक्ट और कलेक्ट क्या रेवेन्यू, इसका मुख्य काम होता रेवेन्यू कलेक्ट करना। दूसरी जिम्मेवारी इसको क्या दे दी गई, टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था बनाए रखना। अब लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए ही कैन टेक द हेल्प ऑफ पुलिस एज वेल एज द जजेस, तो न्याय व्यवस्था बनाए रखने के लिए न्यायपालिका की मदद ले सकता था, पुलिस की मदद ले सकता था, तो उसके द्वारा डिस्पेंस हमारे अपने जिम्मेवारियों का निर्वहन करता हो। उसके बाद ये महत्वपूर्ण केंद्र बन गया, कलेक्ट्रेट होती जहां कलेक्टर बैठता वो महत्वपूर्ण केंद्र बन गया, पावर का एक नई पावर का केंद्र बन गया, एक नए सेटलमेंट का केंद्र बन गया, वहां लोगों ने आसपास सेटलमेंट का एक नया केंद्र बना लिया गया कलेक्ट्रेट को। अब उसके बाद ये सारा था एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन में किस प्रकार विभाजन किया, किस प्रकार प्रशासन को चलाया गया, न्यायपालिका में क्या कुछ व्यवस्था की। लेकिन इन सबके बावजूद अगर शासन को बनाए रखना था तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी, आर्मी की रही, यानी आगे भी अगर शासन को बढ़ाना है उसको मेंटेन करके रखना तो सेना महत्वपूर्ण थी। अगर सेना की बात करें तो जब वो अंग्रेज हमारे आए और उसके बाद उन्होंने शासन व्यवस्था देखी तो हमारे उस टाइम पर कौन थे, मुगल, और मुगलों की शासन व्यवस्था कैसी थी, मुगलों की शासन व्यवस्था थी जिसके अंतर्गत दो महत्वपूर्ण प्रकार की सेनाएं हुआ करती, सेना के दो महत्वपूर्ण अंग थे कैवलरी और उसके साथ इन्फेंट्री, कैवलरी विच आर विद हॉर्स जो घुड़सवार जिसको बोले हो कैवलरी, और इन्फेंट्री पैदल सेना, जो आज अगर हम लद्दाख वाले इशू की बात करें तो सबसे आगे हमारी सेना कौन सी, इन्फेंट्री है, उसको जिम्मेवारी दी गई है। तो उसी प्रकार लेकिन धीरे धीरे इन्फेंट्री की वैल्यू कम होती गई, क्यों कम होती गई, मोस्ट ऑफ द पीजेंट्स आर विद आर्म्स, जो मुगल शासन के दौरान बहुत सारे किसान ऐसे हथियार रखते थे उसके साथ जमींदारों को जिम्मेवारी दी गई थी, अगर जरूरत पड़ती तो पैदल सेना वो भेजेंगे, इसलिए इन्होंने किस पर फोकस किया मुगल शासन में, इन्होंने फोकस किया कैवलरी के ऊपर यानी केवल घुड़सवारों के ऊपर। अब उसके बाद लेकिन 18 सेंचुरी के बाद में ज्यादातर जो नए सक्सेसर आए मुगल शासन के अंतर्गत उन्होंने नई व्यवस्था शुरू कर दी। ये जो इन्फेंट्री थी जो पहले जमींदार प्रोवाइड कराते उन्होंने रेगुलर रिक्रूटमेंट करना शुरू कर दिया, नियुक्तियां देना शुरू कर दी और उनको ट्रेन करना शुरू कर दिया सेना के अंदर। अब इसी व्यवस्था को किसने अपना लिया, अंग्रेजों ने अपना लिया, इन्होंने रिक्रूटमेंट स्टार्ट कर दिया बाद में सेना का जिस प्रकार मुगल करते थे। लेकिन एक बदलाव कब हुआ 1820 में, आप उस टाइम पर ब्रिटिश सेना कई जगह लड़ रही थी, उसमें अफगानिस्तान है, इजिप्ट है, इनके अंदर वो बर्मा है, यहां सेना लड़ रही थी, तो उस टाइम पर कैवलरी की इंपोर्टेंट क्या हो गया, देखो पहले कैवलरी की इंपोर्टेंस ज्यादा थी मुगल शासन में, अब इन्फेंट्री इंपोर्टेंट होगी। इन्फेंट्री इंपोर्टेंट क्यों हो गई, क्योंकि वहां तक अंग्रेज सेना लड़ रही थी, उनके पास दो महत्वपूर्ण गन उस टाइम पर मस्केट और मैचलॉक, ये दोनों ही उस टाइम जो गन प्रोवाइड की गई थी उनके नाम है। तो यह तो एक हैवी गन होती थी, इन्फेंट्री चलाती सबसे आगे रहती थी मैचलॉक, जिसको कि इट वाज इग्नाइट बाय द मैचस्टिक, बारूद डाल के उसके बाद माचिस को चलाया जाता आगे चलाने के लिए। तो दो प्रकार के बंदूकों का इस्तेमाल किया गया, और कौन चलाते, इन्फेंट्री में जो पैदल सैनिक होते, तो इन्फेंट्री की वैल्यू बढ़ गई कैवलरी से, तो ज्यादा फोकस किस पर किया गया उन्होंने, इन्फेंट्री के ऊपर। फिर धीरे धीरे उन्होंने प्रशासन में और व्यवस्था को सुधार करने के लिए उन्होंने क्या किया, उसमें सुधार के लिए उन्होंने नई सेना की नियुक्तियां करनी शुरू कर दी, और किस प्रकार यूरोपियन ट्रेंड्स के अनुसार यूरोप में जैसी थी वैसे उनको ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। परेशानी कहां आई,
परेशानी उनको आई जब हमारे यहां जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर लोग बटे हुए थे। इंडिविजुअल इज नॉट एबल टू लिव देयर ओन कस्टम्स, प्रत्येक व्यक्ति अपने तो रीति रिवाजों को छोड़ने को तैयार नहीं था। एक सिख को यह बोला था पगड़ी उतारे और टोपी पहने, सेना में जैसे बाकी के ऊपर लागू होता है, उसने मना कर दिया। तो इस प्रकार हमारे यहां जब सबको एक साथ लेने का प्रयास किया गया तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आई, हमारे जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर लोग अपनी व्यवस्थाओं को छोड़ने को, अपने रीति रिवाज को छोड़ने को तैयार नहीं थे। और उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल हम आगे पढ़ेंगे इसी बुक में, 1857 की रिवोल्यूशन है जो इसी नाम पर हुई थी। तो ये थी हमारे यहाँ सेना के द्वारा किस प्रकार व्यवस्थाएं मुगल शासन ने चली, किस प्रकार अंग्रेजों ने इसको अपनाया, किस प्रकार उन्होंने नई नियुक्तियां की। अब इसमें प्रशासन में जब हमने पढ़ा तो न्यायपालिका का छोटा सा पार्ट था। 1773 में हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी गई थी और उसके साथ साथ जैसे आजकल हमारे यहाँ सिविल और क्रिमिनल कोर्ट से हम कहां अपील कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, तो उसी प्रकार तब भी एक अपील के लिए कोर्ट बनाया गया था, सरदार निजामत अदालत। वहां अगर आप सिविल कोर्ट या क्रिमिनल कोर्ट के डिसीजन से सहमत नहीं है, यू कैन अपील देयर, तो आप अपील कर सकते थे। अब उसमें लास्ट कंक्लूजन, अब तक जितना पढ़ा उसका सारांश क्या है, हमने लेसन की शुरुआत की थी ट्रेड टू टेरिटरी, किस प्रकार एक व्यापारिक कंपनी से हमारे यहां प्रशासन की शुरुआत कर दी गई, शासन की शुरुआत कर दी गई। इसमें सबसे बड़ी भूमिका क्या रही, पहले तो अंग्रेजों ने अपनी सेना को मजबूत किया, व्यापार से धीरे धीरे क्षेत्र पर कब्जा करना शुरू किया। और आसान कैसे होगा मूवमेंट, जैसे ही स्टीमशिप का आविष्कार हो गया, पहले 6 से 8 महीने लगते थे अंग्रेजों को यहां पहुंचने में, बाहर पहुंचने में अपने यहां से, लेकिन जैसे स्टीमशिप का आविष्कार हो 3 वीक, ओनली विद इन द 3 वीक दे कैन रीच टू इंडिया, वो 3 सप्ताह में बाहर पहुंच सकते थे, तो मूवमेंट आसान हो गया। तो इस प्रकार उन्होंने व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाया, साथ साथ सेना के मूवमेंट को बढ़ाया और बाहर के ऊपर धीरे धीरे एरिया पर कब्जा करना शुरू कर दिया। और अगर 1857 की बात करें तो 1857 तक भारत की 63% एरिया के ऊपर और 78% पॉपुलेशन के ऊपर डायरेक्ट कंट्रोल था ब्रिटिशर्स का, और ये इन्फ्लुएंस इनडायरेक्ट लगभग पूरे भारत पर था। डायरेक्ट कितने पर, 63 एरिया पर 78% पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन ज्यादा थी वहां इन्होंने शासन ज्यादा किया, और लगभग पूरे भारत पर इनडायरेक्टली इन्होंने कंट्रोल किया। तो इस प्रकार उन्होंने व्यापारिक कंपनी से हमारे यहां शासन की स्थापना कर दी। वी विल प्रोवाइड द क्वेश्चन आंसर्स इन पीडीएफ फॉर्मेट, वी हैव ऑलरेडी कंप्लीट अवर लेसन, गो थ्रू द लेसन, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क। थैंक यू।